नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और यहाँ पे भाई सेकंड ग्रेड के 22,000 पद जल्दी ही राजस्थान के अंदर जो है वो रिक्त होने वाले हैं। और ये भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी भाइयों के लिए जिन्होंने भी अपनी जो बीएड है वो कंप्लीट कर ली है या अभी फाइनल ईयर के अंदर है। तो ये जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर जल्द खाली होंगी 22,000 वरिष्ठ अध्यापकों के पद, यानी सेकंड ग्रेड के 22,000 जो पद है वो खाली होने वाले हैं। यहाँ पे भाई उदयपुर की ये न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में रिक्त लेक्चरर के पदों को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय वर्ष 2019-20 की डीसीपी को तैयार कर रहा है। और यहाँ पे निदेशालय ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के करीब 22,000 विभिन्न विषयों के पात्र लेक्चरर की अस्थायी वरीयता सूची जो है वो जारी कर दी है। और इसके ऊपर 8 अप्रैल तक जो आपत्तियां है वो मांगी गई है। तो यहाँ पे भाई डीपीसी जो है वो तैयार की जा रही है। और इस कंडीशन के अंदर 22,000 पद जो है वो जल्दी ही सेकंड ग्रेड के अंदर खाली होने वाले हैं। वहीं जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं उनकी भी यहाँ पे जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रमोशन होगा उनका भी, तो उससे कुछ पद भरे जाएंगे। और बाकी जो खाली रहेंगे उनके लिए हो सकता है कि जो नई वैकेंसी है वो आपको 2019 के एंड या 2020 के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकती है सेकंड ग्रेड की। और क्योंकि थर्ड ग्रेड के भी पद यहाँ पे भरे जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड ग्रेड के सॉरी जो शिक्षक हैं उनकी भी पदोन्नति की जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आने के यहाँ पे चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। और टीचर वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।